जो भी चाहिए Z5 ऐप पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। जिंदगी है प्यारी क्योंकि भारत माता है हमारी और जिंदगी से ज्यादा देश से प्रेम करने का जज्बा ही है भारतीय होने का अर्थ। इस गणतंत्र दिवस अपनी बहादुरी से यही अर्थ हम सबको समझाने आ रही है कल्याणी, तो देखिएगा जरूर 2 घंटे का स्पेशल तुझसे है रब्ता 26 जनवरी शाम 7 बजे से। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए, आ पहुंची है गुड्डन अपने परिवार के साथ गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाने, अनजान एक आने वाले बड़े खतरे से अब कैसे गुड्डन अक्षत मिलकर बचाएंगे लाखों लोगों की जान, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडरा रहे खतरे को, क्या गुड्डन समय रहते भाप पाएगी और क्या गुड्डन और अक्षत मिलकर अपने परिवार वालों और नागरिकों की इस खतरे से हिफाजत कर पाएंगे या इस बार किस्मत देगी उनको चकमा, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए किस गणतंत्र दिवस के मौके पर फंस चुकी है गुड्डन अपने परिवार और देश की रक्षा के बीच, बहुओं की जिंदगी अब है गुड्डन के हाथ में, क्या गुड्डन बहुओं को बचा पाएगी, क्या अक्षत मदद कर पाएगा गुड्डन की इस मंडरा रहे खतरे को मात देने में, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि एक तरफ गुड्डन कर रही है अपनी बहुओं की रक्षा तो दूसरी तरफ अक्षत ने उठाया अपने देश को बचाने का जिम्मा, क्या दोनों सफल हो पाएंगे देश और परिवार को बचाने में, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने आएगा रावत का चौंका देने वाला सच, खुलेंगे कुछ राज और सामने आएगी एक बार फिर मौत, कैसे उभरेगी गुड्डन इन मुश्किलों से और क्या मिलेगा उसे अपने परिवार का साथ, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में सोमवार को देखिए कि गुड्डन ने असल मायनों में मान लिया है खुद को जिंदल परिवार की सास, अब किस तरह गुड्डन घर और परिवार को आने वाली मुसीबतों से बचाते हुए निभाएगी अपनी जिम्मेदारियां और साबित करेगी अपनी काबिलियत बनके इंडिया की यंगेस्ट सास, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास ने लिया अपने हाथों में घर चलाने का जिम्मा, क्या गुड्डन अपने घर वालों को हर मुसीबत से बचाते हुए अपनी काबिलियत साबित कर पाएगी या छाएगी सब पर फिर से एक नई मुसीबत की परछाई, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास ने लिया अपने हाथों में घर चलाने का जिम्मा, क्या गुड्डन अपने घर वालों को हर मुसीबत से बचाते हुए अपनी काबिलियत साबित कर पाएगी या छाएगी सब पर फिर से एक नई मुसीबत की परछाई, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए गुड्डन और रावत में छिड़ चुकी है जंग, जहां एक ओर रावत ने लिया है प्राण अक्षत को सूली तक पहुंचाने का, वहीं दूसरी ओर गुड्डन को साबित करनी है अक्षत की बेगुनाही और करनी है रखवाली अपने परिवार की इज्जत की, क्या गुड्डन अब अपने अंदाज में रोक पाएगी इस आ रहे तूफान को, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। भूख सब कुछ एक साथ हो रहा, मैं तो बैन बुझ रही, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। अरे वाह, खाना बना कर तो ना एक नंबर काम कर दिया आप लोगों ने, थैंक यू। क्या बनाया? अक्षत जिंदल, तुमने तिजोरी खोलने का कोई ना कोई सबूत तो अवश्य छोड़ा होगा, हमें जल्द से जल्द ढूंढना है कि वो सबूत कहाँ है। गुड्डन और रावत जी के बीच में क्या पंचायत चल रही थी इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा।
आप एजे के कमरे में क्या कर रहे हैं? वो कल रात हम एजे से मिलने आए थे, तो जाते वक्त अपना फोन ले जाना भूल गया, तो बस वही ढूंढ रहे थे। आपका फोन आपके जेब में है, हमारे विभाग वाले बिल्कुल सत्य कहते हैं। उम्र के संग संग हमारी याददाश्त भी कमजोर होने लगी है। अब देखिए ना, फोन हमारी जेब में है और हमने सारा कमरा खोज लिया। चलते हैं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए कि गुड्डन के सामने है रावत की दी हुई चुनौती अक्षत को बचाने की। एक तरफ रावत को है पूरा यकीन अक्षत के गुनाह पर और दूसरी तरफ गुड्डन को है भरोसा अक्षत की बेगुनाही पर। उस हादसे से जुड़ा मिला सबूत किसको सच्चा साबित करेगा, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। क्या इन दोनों का सच सामने आ जाएगा? क्या शान अस्मिता को सबके सामने उसकी पत्नी स्वीकार कर लेगा? साहिल, ये देख क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मुझे नहीं लगता कि वेदिका जी खुद इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है साहिल, अभी उनसे बात करो। तुम जानते हो हमारा बच्चा। ऐसे कैसे आप एग्जाम देने के लिए आ जाएंगे? आपकी आपकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। आप बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। घर वाले सब अपने कमरों में सो रहे हैं। हम जल्दी से बस आमिर के लिए खाना बना दें। कल सुबह के उजाले में ये बात हम सबके सामने ला देंगे। पता है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है। आप बेवजह जेलस हो रहे। मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट उन्हें तो मेरी बातें अनोइंग लगती हैं, इरिटेटिंग लगती हैं। अनोइंग और इरिटेटिंग तो मुझे भी लगती है, फिर वही बातें मुझे अच्छी लगने लगी। वही सारी बातों से मुझे प्यार भी हो गया। ऐसा ना हो कि किंग को भी तुमसे। ऐसा कुछ नहीं, मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप दो दोस्तों के बीच में इंटरफेयर कर रहे। अब हर सवाल का जवाब मेरा करण देगा। चलो बोलो, सबको सच बता दो। मुझे सच की बात करिए तुम। देखो करण, आज सबको सच सच बता दो वरना। अरे क्या बता दूं सबको, क्या हम दोनों के बीच बेबी है? हम दोनों का बेबी। अगर कल्याणी ने इस व्रत को पूरा कर लिया ना, तो वो कुछ भी करके मल्हार को जेल जाने से रोक लेगी। तिल का उबटन अपने पूरे शरीर पर लगाना है और फिर थोड़ी देर बाद तिल के ही पानी से तुम्हें स्नान करना है। बस एक बार कल्याणी इसे अपने शरीर में लगा ले तो उसकी मोटी चमड़ी जल के काली हो जाएगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए कि गुड्डन के सामने है रावत की दी हुई चुनौती अक्षत को बचाने की। एक तरफ रावत को है पूरा यकीन अक्षत के गुनाह पर और दूसरी तरफ गुड्डन को है भरोसा अक्षत की बेगुनाही पर। उस हादसे से जुड़ा मिला सबूत किसको सच्चा साबित करेगा, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा।